नमस्कार डोगरी खबरदार से बुलेटिन च प्यारे खबर असा हूं लोपा चले लेखे जोखे पर बीती ध्याड़ी अनंतनाग के डूरू इलाके सुरक्षा बलें आतंकियों बशकार हुए टाकरे च दो आतंकी मरोए गए उनके शा हथियार से गोला बरूद बरामद किया गया। सरकारी बयान के मुताबिक आतंकियों की मौजूदगी की खबर की पुष्टि के बाद जे एंड के पुलिस की SOG सेना और CRPF ने शस्त्र ग्राम ग्रां च तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान हुए टाकरे च दो आतंकियों की मारी दिता गया है। इस बशकार जैश ए मुहम्मद आतंकी संगठन ने एक बयान च आख्या कि उनके संगठन के दो उग्रवादी डूरू च मरोए गए हैं। उन्हें आतंकियों की पछाण नहीं दी है। कल रात को खबर मिली थी दो दहशतगर्द हैं, उसमें जाइनल लॉन्च किया गया था JNK पुलिस आर्मी और CRPF ने, और रात भर एनकाउंटर चला। सवेरे दो टेररिस्ट मारे गए हैं और उनकी शिनाख्त करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक की खबर के मुताबिक वो लोकल नहीं है, बाहर के ही हैं। और किस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, बेदर जैश मोहम्मद से या लश्कर तैयबा, वो अभी शिनाख्त हो रही है। दीज ऑपरेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट कश्मीर ब्रीथ्स अ साई ऑफ रिलीफ एंड समर इज पीसफुल। पीपल आर यर्निंग फॉर पीस, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पीस, एंड आई थिंक लॉट ऑफ ब्लड हैज़ बीन spilled in violence the last 2 years. It's high time that those who are promoting this terrorism, they realize and peace returns to this grim valley. सुरक्षा बलें रजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके तलाशी अभियान शुरू किया तो सारे स्कूल कॉलेजें की अज्ज दे ध्याड़े ताईं बंद रखा। जानकारी के मुताबिक 4 थमां 5 ग्रां तलाशी अभियान के घेरे च आए हैं। नशहरे का बवाल थमने का नाम नहीं लै करता है। आज पुलिस ने नशहरा च प्रदर्शनकारियों के खदेड़ने ताई आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज भी किया। सूत्रों के मुताबिक लोगों आसिया तुआई रेवन्यू कॉम्पलैक्स तोड़ी रैली कड़ने की कोशिश भी की, कीजे कल सरकार आसिया कड़े गए सरकारी आर्डर का विरोध करी सकन। पुलिस आसिया किए गए लाठीचार्ज के विरोध प्रदर्शनकारी पुलिस उपर पथराव किया। कल सरकार आसिया एक आदेश जारी किया गया है जिसके मुताबिक सरकार आसिया सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट नशहरा कालाकोट से सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट सुंदरबनी की सीटें की बधाई है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कर दिया गया। गवर्नमेंट जो डिमांड थी उन्होंने एक के बदले 3 ADC भी दिए हैं। रीजन अगर कहता है कि हम सुपीरियर हैं, कोई और चीज़ मिलनी चाहिए, तो वो डिमांड डिस्कस की जा सकती है गवर्नमेंट के साथ। किसी किस्म का वायलेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको हम स्ट्रांग फोर्स के साथ डील करेंगे। कोई किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। क्या सर गवर्नमेंट ऑफिस जहाँ पर बंद किए गए थे, क्या वो खुलाए जा रहे हैं? आज से बिल्कुल ओपन होंगे ऑफिस हमारे, हमने फोर्स भी लगाई है, और क्योंकि बड़े अच्छे माहौल में हमने भी लोगों के साथ कॉपरेट किया। उन्होंने सुबह 2 घंटे का टाइम लिया हमसे कि 2 घंटे के बाद हम ऑफिस खोलेंगे और लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। थोड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उनकी तरफ से भी रहा है, तो फोर्सफुली डील करें। कितने लोग इंजर्ड हुए अभी तक, क्या रिपोर्ट है? लगभग 200 लोग टोटल हैं, उसमें से कुछ 4-5 लोग इंजर्ड थे, क्योंकि स्कफल काफी ज्यादा उन्होंने की पुलिस के साथ, तो फर्दर अभी डिस्पर्स है, तो दोबारा असेंबल होंगे। तुम इसमें FIR वगैरह भी कोई रहेगी? बिल्कुल रहेगी, जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो ड्यूटी है उनको मैनेज करने की कोशिश करें, जरूर कार्रवाई। चेतन नरातें के सरबंध में श्री माता वैष्णो देवी प्राचीन मार्ग श्राइन बोर्ड संस्था मड़बम म्याल तहसील नगरोटा जिला जम्मू आसिया कोलकंडोली नगरोटा च अज 8वें नराते उपर श्री माता वैष्णो देवी प्राचीन मार्ग पवित्र छड़ी यात्रा 2018 कड़ी गई, जिसकी नगरोटा विधायक दविंदर सिंह राणा और फ्लैग ऑफ किया। यह यात्रा माता जगदम्बे मंदिर जगटी थमां पंगाली मड़ द्राबी गुंडला बम्याल थमां होंदी होई होली मंदिर बम्याल जाई समाप्त होई। डोली वाली माता तेरी जय, गंगा जय माता की, पानी च
जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। जय माता दी, जय माता दी, जिनका राज जय राजा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता ये एक बड़ी प्राचीन यात्रा है और यही एक मार्ग है जो प्राचीन माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का मार्ग था। इसका पहला दर्शन कौल कंडोली है और रास्ते में जगह जगह मंदिरों पे ये यात्रा रुकते हुए देवा माई के वहाँ से निकल के नुमाई के रास्ते, यही वो प्राचीन रास्ता था जहाँ से माता वैष्णो देवी जी की यात्रा होती थी। हम सब का ये कोशिश है कि इस यात्रा को दोबारा अपनी पुरानी रिवायत के मुताबिक इसको अपना पुराना मकाम दें, ताकि आने वाले समय में लोग जो हैं कौल कंडोली का पहला दर्शन करते हुए, जगह जगह अलग अलग स्थान पे दर्शन करते हुए, बम्याल के रास्ते, मढ़ के रास्ते, छिब्बा के रास्ते होते हुए नुमाई पहुँचें और फिर माँ के दरबार में अपने दर्शन करके माता का इस यात्रा का पूरा पूरा आनंद उठाएं। रास्ते में सुविधाएं भी बनाई जाएंगी और आने वाले समय में हमने राज्यपाल महोदय से भी ये दरख्वास्त की है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो इस यात्रा को अडॉप्ट करे और ये यात्रा रूट जो है यही एक रूट बने जहाँ से कि माता के भगत जो हैं यहाँ से श्रद्धापूर्ण माता वैष्णो देवी जी, माँ भगवती के दर्शन करने के लिए जाएँ। ये हमारी सबकी कोशिश है। ये एक बड़ी पुरानी संस्था है जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बनाई है, जो प्राचीन इस यात्रा को चलाती है। और इस बार मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का भी और राज्यपाल महोदय का, जिन्होंने इस यात्रा को एक नई शक्ल देने में हमें योगदान दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष के जो यात्री आने वाले समय में भारतवर्ष के यात्री आने वाले समय में वर्ष के यात्री कल समय में वर्ष के यात्री वाले समय में वर्ष के यात्री वाले समय में वर्ष के यात्री वाले समय में वर्ष के यात्री कल समय में वर्ष के यात्री वाले समय में वर्ष के